हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो NRIDA की तरफ से निकल कर आ रही है। सो यस फ्रेशर्स, इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, विदाउट गेट है, जिसमें आप लोग को सैलरी 67,500 पर मंथ मिल जाएगी। किसी भी एप्लीकेशन फी पे नहीं रखा गया है। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाके डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यही है इसका ऑफिशियल इंट्यूशन, जो आप लोग देख पा रहे हो कि नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से निकल कर आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, किसी भी परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें यंग प्रोफेशनल पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। क्वालिफिकेशंस की बात करें, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BE/TECH किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ आपके BE/TECH में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चरल और जियोटेक्निकल डिसिप्लिन में से मास्टर्स किए हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ MS ऑफिस जियो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम और ऑटोकैड में नॉलेज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स का रहा गया है। अगर आप लोग BE/TECH किए हो तो उस केस में आप लोग को सैलरी 60,000 पर मंथ मिल जाएगी। और अगर आप लोग MEM/TECH किए हो तो उस केस में आप लोग को सैलरी 65,000 पर मंथ मिल जाएगी। अगर आप लोग किसी भी IITs या तो NITs में से BE/TECH या तो MEM/TECH किए हो तो उस केस में ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए आप लोग को सैलरी 61,250 पर मंथ मिल जाएगी। और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए आप लोग को सैलरी 66,250 पर मंथ मिल जाएगी। और अगर आप लोग के पास 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उस केस में आप लोगों को एक्स्ट्रा 1,250 प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि ग्रेजुएट वालों के लिए आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 62,500 पर मंथ मिल जाएगी। और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए आप लोगों को सैलरी 67,500 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हर एक साल में आप लोगों का जो सैलरी है वो 5% करके इंक्रीज कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोगों को रिटेन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा आप लोग का इंटरव्यू। और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए इसमें किसी भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है जिसको अच्छे से फिल करना होगा। और फिल करने के बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका स्कैन कॉपी, अगर आप लोगों के पास किसी भी एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका स्कैन कॉपी, अगर आप लोग SC/ST/OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी और PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीस आप लोगों को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक सिंगल PDF बनानी पड़ेगी। और जिस PDF को आप लोग इनका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी इसमें मेंशन है आप लोग उसी ईमेल आईडी पे मेल सेंड करना होगा। और मेल सेंड करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 10th October 2023। तो फ्रेंड्स, यही इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट मैं आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, जिसको आप लोग को अच्छे से फिल करना होगा। और फिल करने के बाद इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स में डिस्कस किया हो उन सभी डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीस आप लोग को अटैच करके एक सिंगल PDF बना के इनका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी इसमें मेंशन है आप लोग उसी ईमेल आईडी पे 10th October 2023 से पहले मेल सेंड करना होगा। और मेल सेंड करने के टाइम आप लोग को सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग सिविल इंजीनियर, ये मेंशन करने के बाद आप लोग उस मेल को सेंड करना होगा। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोग को हैंड रिटन फिल करना होगा। अगर आप लोग किसी भी टाइप करते हो तो उस केस में आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल इंट्यूशन का PDF ना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
एक नया चरण सिंह के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।